हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कपिल एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO में जो वैकेंसी रिक्रूटमेंट आई है, न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, सितंबर की जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं हम। फ्रेंड्स, बात करेंगे LBT कंडीशन के बारे में, सिलेबस के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और नोटिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आगे चलने से पहले, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ देखने को मिल रहा होगा और आपको डेट भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी आपको जल्दी ही यहाँ पे देखने को मिलेगा, सून टू बी पब्लिश आ रहा है, आपको DAV की वेबसाइट पे अभी देखने को मिलेगा, वहां पे नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपकी जो वैकेंसी है DRDO में सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट यानी सप्तम में आपकी वैकेंसी निकले, हम बात करेंगे इनके बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं, 1901 टोटल वैकेंसी है फ्रेंड्स, जो कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए एंड टेक्निकल ए के लिए आपकी वैकेंसी निकली हुई है। तो फ्रेंड्स एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे September 10/DRTC आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सर्कुलर डेट ऑफ LBT की बात करेंगे तो 23 सितंबर 2022 तक आपके LBT कंप्लीट होना चाहिए। एज वगैरह, एज है, क्वालिफिकेशन, आपकी सारी LBT कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए 23 सितंबर 2022 तक। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस फ्रेंड जो आपका स्टार्ट होने वाला है 3 सितंबर 2022 10 बजे से, सुबह 10 बजे AM से आपका स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो आपकी रहेगी फॉर्म सबमिट करने की 23 सितंबर 2022 17 यानी 5 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे हम आगे डिटेल्स में जो आपकी रहने वाली है वैकेंसी के बारे में। सेक्शन ए यहाँ पे दिया गया है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी नॉन गेजेट एंड मिनिस्टर के बारे में। फ्रेंड्स इसमें आपका जो पे स्केल रहता है, पे लेवल 6 का पे लेवल आपका रहेगा 34,000-35,400 बेसिक से 1,12,400 आपका इसमें वेतन रहता है। एज लिमिट की बात करेंगे फ्रेंड्स, इसमें जो आप एज लिमिट 18 साल मिनिमम, मैक्सिमम 28 साल दी गई है, 18 से 28 आपकी एज होनी चाहिए, बाकी आपको एज रिलेक्शन यहाँ देखने को मिलेंगे जो एज पर गवर्नमेंट रूल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। डिसेबल्ड वुमेन, फिजिकली हैंडीकैप, सर्विस मैन जो भी है उनको यहाँ देखने को आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड EQR की बात करेंगे तो आपके पास बैचलर डिग्री इन साइंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस एंड एलियन सब्जेक्ट में रिलेटेड आपके पास होना चाहिए और क्वालिफाई होना चाहिए 23 सितंबर 2022 तक। फ्रेंड्स और जो कैंडिडेट 23 सितंबर 2022 तक रिजल्ट ना आए, उनका ना नहीं आएगा तो उसको ध्यान रखें कि इसमें फॉर्म फिल करने के लिए नहीं कर सकते हैं, एलिजिबल नहीं होते हैं। फ्रेंड्स और हायर क्वालिफिकेशन जो कैंडिडेट है BTEC BEd PhD डिग्री तो वो भी इसमें फॉर्म फिल ना करते हैं। अब फ्रेंड्स तो बात करेंगे डिसिप्लिन ऑफ वैकेंसी फॉर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन के बारे में और क्वालिफिकेशन के बारे में और वैकेंसी के बारे में। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स इसमें आपके जो फर्स्ट वैकेंसी एग्रीकल्चर में, इसमें आपको डिग्री होनी चाहिए, BSc डिग्री इन एग्रीकल्चर में होनी चाहिए एंड साइंस फॉर्म में आपका होना चाहिए और इसमें टोटल जो नंबर वैकेंसी 10 वैकेंसी है आपकी। ऑटोमोबाइल इंजीनियर में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, 13 इसमें आपकी वैकेंसी है। फ्रेंड्स बोटनी में फ्रेंड्स BSc आपके पास होनी चाहिए बोटनी में, 3 वैकेंसी है यहाँ पे आपके। केमिकल इंजीनियर में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल से, केमिकल में 35 यहाँ पे आपकी वैकेंसी है। केमिस्ट्री में BSc डिग्री आपके पास होना चाहिए केमिस्ट्री या केमिकल साइंस में और 58 आपकी यहाँ पे वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, 25 वैकेंसी आपकी यहाँ पे है। कंप्यूटर साइंस में BSc डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और एलियन सब्जेक्ट में आपके पास होना चाहिए और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में आपके पास होना चाहिए, 167 आपकी इसमें वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, 17 टोटल वैकेंसी है इसमें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, 68 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, 31 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में भी आपके पास होना चाहिए, 192 आपकी वैकेंसी है। फ्रेंड्स इंस्ट्रूमेंटेशन में फ्रेंड्स आपके पास BSc डिग्री होनी चाहिए, 17 वैकेंसी है। लाइब्रेरी साइंस में फ्रेंड्स 23 वैकेंसी, इसमें डिग्री आपके पास होनी चाहिए डिग्री इन साइंस विद मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस आपके पास होना चाहिए। फ्रेंड्स मैथमेटिक्स में फ्रेंड्स
बात करेंगे बीएससी डिग्री आपके पास मैथमेटिक्स में होना चाहिए, 13 इसमें आपकी वैकेंसी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 294 मार्क्स की वैकेंसी है। डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, 21 वैकेंसी है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन एमएलटी में आपके पास डिप्लोमा बीएससी डिग्री इन मेडिकल लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी में 16 आपकी इसमें वैकेंसी है। फ्रेंड्स की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो फोटोग्राफ बीएससी डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन फोटोग्राफी एंड डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। टोटल 8 वैकेंसी है। फिजिक्स में बीएससी डिग्री आपके पास होना चाहिए, 32 वैकेंसी है। फ्रेंड्स प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में बात करेंगे तो इसमें बीएससी डिग्री आपके पास होना चाहिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में आपके पास होना चाहिए। टोटल 5 वैकेंसी है। साइकोलॉजी में बात करेंगे फ्रेंड, बीएससी डिग्री आपके पास साइकोलॉजी में होनी चाहिए, टोटल 11 वैकेंसी है। टेक्सटाइल में डिग्री आपके पास होना चाहिए बीएससी डिग्री टेक्सटाइल में, केमिस्ट्री फॉर्म रेगुलेजेस यूनिवर्सिटी से और आपके पास 5 इसमें वैकेंसी है। जूलॉजी में बात करेंगे फ्रेंड, बीएससी डिग्री जूलॉजी में होनी चाहिए, टोटल 9 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1075 आपकी वैकेंसी है फ्रेंड इसमें रहने वाली है। तो फिर बात करेंगे आपके टेक्नीशियन ए में बात करेंगे जो ग्रुप सी नॉन गजेट नॉन मिनिस्ट्रल आपकी रहने वाली है। पे स्केल इसमें लेवल 2 का पे स्केल रहेगा, 19,900 बेसिक से 63,200 आपका वेतन रहेगा। एज लिमिट बात करेंगे 18 से आपको 28 इसमें आपका वेतन रहेगा, 18 मिनिमम और मैक्सिमम 28 साल एज पर गवर्नमेंट रूल्स आपको एज रिलेक्शन देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे EQR की, तो फ्रेंड्स इसमें 10th पास होना चाहिए और आपके पास ITI होने चाहिए, जिस डिसिप्लिन से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें आपके पास ITI होना चाहिए। फ्रेंड्स फ्रेंड्स बात करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ वैकेंसी फॉर टेक्नीशियन ए के लिए जो बात करने वाले हैं आपको डिसिप्लिन में और रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन एंड वैकेंसी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। ऑटोमोबाइल में 10वीं पास और सर्टिफिकेट ITI होनी चाहिए। ऑटोमोबाइल में टोटल 5 वैकेंसी है। बुक बाइंडर में टोटल 20 वैकेंसी है, 10th और ITI होना चाहिए। कारपेंटर CNG ऑपरेटर कोपा डॉगमैन मैकेनिकल DTP ऑपरेटर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक फिटर ग्राइंडर मैकेनिस्ट मैकेनिक डीजल वेट मैकेनिस्ट मोटर मैकेनिस्ट पेंटर फोटोग्राफर रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर मेटल स्टील मेटल वर्क ट्यूनर बेल्डर इनमें आपके पास होना चाहिए। टोटल आपके फ्रेंड्स यहाँ पे 2826 वैकेंसी है और आपको पोस्ट पद आपको वैकेंसी यहाँ देखने को टोटल वैकेंसी देखने को मिलेंगी फ्रेंड्स। कैटेगरी वाइज आपको और डिसिप्लिन वाइज आपको वैकेंसी यहाँ देखने को मिल जाएंगी फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे सेक्शन 2 आपको यहाँ पे दिया गया है, इसमें आपकी जो LBT कंडीशन है आपकी 23 सितंबर तक कंप्लीट होनी चाहिए, 23/9 तक, और इंडियन नेशनल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे आगे देखेंगे आपको देखने को मिलेगा, आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सेंटर्स के नेम आपको जो आपको CBT कंडक्ट कराया जाएगा उनके सेंटर्स के नेम यहाँ पे सारे आपको दिए गए हैं, कौन कौन से सिटीज में आपके सेंटर रहने वाले हैं उसके सारे यहाँ पे आपको दिए गए हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बात करेंगे सेक्शन 3 में आपको फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में हम, जैसे फॉर्म फिलिंग लिंक एक्टिव होगा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके लिए वीडियो बनाएंगे। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जैसे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा आपको पता चल जाएगा फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। फॉर्म फिलिंग 23 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट डेट आपका जो क्लोजिंग डेट रहने वाला है 23 सितंबर 2022, 3 सितंबर से फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। बाकी फ्रेंड्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके या ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी आपको देखने को मिल जाएंगे सर, डिटेल्स आप वहां पे जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। और सेक्शन 4 में फ्रेंड्स आपको यहां सिलेक्शन प्रोसेस आपको दिया गया है, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है उसके बारे में, STA जो ग्रुप बी की वैकेंसी है STA बी की इसमें सिलेक्शन प्रोसेस टियर 1 होगा आपका स्क्रीनिंग और टियर 2 फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको एग्जाम होगा। टियर 1 में फ्रेंड्स आपको जो कंडक्ट कराएगा टियर 1 एंड 2 कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और फर्स्ट CBT आपका नॉर्मलाइजेशन एज पर रिक्वायर्ड आपका रहने वाला है इसमें आपको जो देखने को मिलेगा। और टेयर 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टी चॉइस आप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टेयर 1 में फ्रेंड्स आपको जो एग्जाम स्क्रीनिंग टेयर 2nd, 4th फाइनल सिलेक्शंस का आपका रहने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करेंगे आपको जो स्कोर वगैरह नॉर्मलाइजेशन आपको सारे देखने को मिलेंगे, बाकी आपको जैसे ही सिलेबस अपडेट होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे, सिलेबस के बारे में भी बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे टेबल 2 आपको दिया गया है CBT जो आपका नो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपके पास बात करेंगे यहाँ पे आपको जो एग्जाम पैटर्न के बारे में फ्रेंड्स बात करना है, एग्जाम जो आपका रहेगा हिंदी और इंग्लिश में आपको लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। टेयर
टेबल वन एसटीए के लिए हम बात करेंगे। इसमें जो आपका फर्स्ट एग्जाम जो कराया जाएगा टीयर वन में, आपका सीबीटी फॉर स्क्रीनिंग हुआ जिसमें डिटेल्स क्वांटम एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, हिंदी इंग्लिश, बेसिक नॉलेज, जनरल साइंस आपको देखने को मिलेगी। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क आपका रहेगा और 90 मिनट इसमें ड्यूरेशन आपका रहता है। सेकंड सीबीटी प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए आपका रहेगा टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट और पोस्ट कोड के हिसाब से 100 क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स, 100 मार्क के होंगे, 90 मिनट ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। टेबल टू के लिए बात करेंगे फ्रेंड्स, इसमें टेक्नीशियन ए के लिए बात करेंगे, इसमें फर्स्ट रहेगा सीबीटी प्रोविजनल सिलेक्शन आपका रहेगा, जिसमें काउंटेबिलिटी रहेगा, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज आपकी रहेगी। और जो 40 के आएंगे और सेक्शन बी जो आपका ये है इसमें 80 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन ए में आपके जो है इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में ट्रेड से डिसिप्लिन से रिलेटेड आपके 80 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क के टोटल क्वेश्चन रहेंगे और 90 मिनट ड्यूरेशन आपको इसमें देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। तो और फ्रेंड्स सेकंड जो आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा क्वालिफाइंग नेचर का आपका रहने वाला है, क्वालिफाइंग नेचर पर रहेगा। सेकंड जो आपका पेपर है फ्रेंड्स आपको क्वालिफाइंग नेचर पर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। बाकी डिटेल्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सके या ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग कपिल एजुकेशन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।